नाम दिनेश उपाध्याय है, अभी इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन इसका लास्ट फोन लोकेशन दिल्ली का दिखा रहा है। हाँ त्रिपाठी, फोटो मिल गई हमें और टीम्स के साथ हमने शेयर भी कर ली। एक बार फ्रॉड कर चुका है ये दिनेश उपाध्याय, दूसरी बारी करने में हाथ पर मारेगा ही मारेगा। ये हरियापुर वाला फ्रॉड इसका पहला नहीं था। हमें पता चला यूपी के 4-6 गाँव में ये कोई स्कीम चला रहा था, पूरे साल लोगों को ठगता था और उसके बाद यूपी के बाहर के अंडरग्राउंड हो जाता था, जैसे कि अभी। मतलब काफी चिकना चुपड़ा सांप है ये, और शायद जहरीला भी। यहाँ हरियापुर में ये 4 मर्डर और 2 गैंगरेप में संदिग्ध है। अगर ये दिनेश उपाध्याय दिल्ली में कहीं भी है, इसके बिल से फूंक कर इसको आपके हवाले कर देंगे। आपने सामने से हमें नहीं बताया पंचम जी, हमने खुद पता किया कि आपके और आपके बड़े भाई सोहन के बीच कुछ मसला था। लेकिन हमारे आपसी मसले से इस हादसे का क्या लेना देना साहब? ब्रिजभान और सोहन का भी मसला था जमीन को लेकर, अब तक कुटाई चल रही है उनकी। साहब हम सगे भाई हैं और वो बच्चियां हमारी बच्चियों जैसी थी। अगर वो बच्चियां सच में आपके लिए आपकी बच्चियों जैसी थी और इस घिनौने कांड में आप शामिल नहीं है, तो गुनहगारों को पकड़वाने में हमारी मदद करते, हमें गुमराह नहीं करते। हमने गुमराह नहीं किया साहब। आपको पहले से मालूम था कि सोहन के घर में लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन ऐसे पेश आए जैसे चौंक गए। नहीं साहब, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। आपको ये भी मालूम था कि सोहन के घर के बाहर पेट्रोल की कैन क्यों? लेकिन जब हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि आपको नहीं मालूम। हाँ, वो हमने झूठ कहा था साहब। क्यों? वो अलग बात है कि हमारे और भैया के बीच संबंध खट्टे पड़ गए थे, लेकिन पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी और हम नहीं चाहते थे कि उनका ढिंढोरा पिटे कि वो पेट्रोल का अवैध धंधा चलाते हैं। इसलिए रोने धोने का नाटक किया हमारे सामने, ऐसे भाई के लिए शोक मनाया जिससे पिछले 2 साल से बातचीत बंद थी। हाँ मैडम, मैंने कई बार बात की थी पिंकी से। क्या बात की थी अरविंद? इस दिनेश उपाध्याय के चक्कर में कहीं किसी दिन तुझे जेल विल ना हो जाए। ये दिनेश फ्रॉड के पैसों में से पिंकी को भी हिस्सा देता था? वो सब मुझे नहीं पता मैडम, मैं तो बस एक दोस्त के नाते उसे समझाता था। गांव के कई सारे लोगों के पैसे डूबे हैं मैडम इस फ्रॉड स्कीम के चक्कर में। मुझे लगता है पिंकी को पैसे मिले जरूर होंगे दिनेश से। जी, पिंकी का पासबुक तो घर ही पर पड़ा होगा। मैं कांस्टेबल भेज रहा हूँ, तुरंत पिंकी के सारे बैंक डिटेल्स और कागजात उसे हैंड ओवर कर दो। जी। ये दिनेश उपाध्याय कोई MR के लोकहित बम्पर योजना चलाता था, जरा पता करो क्या चीज है। सर जी, एक दिन का टाइम दीजिए, अगर हरियापुर के लोगों का पैसा डूबा है तो आधे दिन में पूरा चिट्ठा खुलेगा। लेकिन साहब जी, एक बात समझ में नहीं आई, अगर दिनेश उपाध्याय कई लोगों के मेहनत का पैसा लेकर गुल हुआ तो उन लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? कोई कुछ बोला क्यों नहीं? इस कांड में काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारे अपने भैया के साथ बातचीत बंद थी, ये बात हमने आपको नहीं बताई, तो आप ये कहेंगे कि हमने अपने भैया, अपनी भाभी और भतीजियों का कत्ल कर दिया, और कत्ल करने से पहले अपनी भतीजियों के साथ? पिंकी और रंजना के साथ जो हुआ वो शायद आपका इरादा नहीं होगा, पर जिन लोगों से आपने करवाया उनकी नियत की गारंटी लेकर तो आप बैठे नहीं थे। हमने कोई सुपारी उपारी नहीं दी साहब। हाँ, हम भैया से नाराज जरूर थे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भाई जैसा नहीं बल्कि दुश्मन की तरह व्यवहार किया था। ये क्या किया ननकू, मकान बेच दिया? अरे हमारी बात चल रही थी ना भाई। आप और सोहन भैया किसी नतीजे में आए नहीं, और मिनट में मेरी नौकरी लग गई, 4 दिन में रिपोर्टिंग भी करना है, तो मैंने बस बेच दिया घर। किसको बेचा? सोहन भैया को। सोहन भैया, तूने ऑफर कुछ नहीं पंचम भैया, सोहन भैया तो सीधे 6 लाख नगद लेकर आ पहुंचे और थमा दिए मुझे, बोले कि अंकुश के लिए सही रहेगा ये घर, उनके घर के पास ही पड़ते, इसके लिए मैंने हाँ कर दी। सोहन भैया, जब अपने इतना प्यार देंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? ननकू ने सब बता दिया हमको। हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि ननकू का घर खरीदने में हमें रुचि है, पर तुम ही जिद पकड़ के बैठे थे। लेकिन वो घर तो हमने पहले देखा था ना भैया, और कमला को भी पसंद आ गया था, उसका छत और आंगन सब हमको भाग गया था, हमने अपना समझ कर आपको सब बता दिया और आपने 1 लाख ज्यादा देकर अपने नाम करा लिया। अरे धोखा दिया आपने हमें, छुरा भोंका हमारी पीठ पे। फालतू बात मत करो पंचम, हम तुमको बोल दिए थे कि अंकुश के लिए हमने वो घर पसंद किया, पर तुमको तो हमारी कदर है ही नहीं। अगर हमको तुम्हारी कदर नहीं होती ना भैया, तो 5 साल से जो पेट्रोल का अवैध धंधा चला रहे हो ना, इस बारे में चुप नहीं बैठते हम। इसी की काली कमाई से आपने घर खरीदा है, ये 6 लाख इसी से आए हैं, अब तक तो भाई समझ के चुप बैठे रहे, लेकिन अब आपने ही जब भाई भाई की सांठ गांठ को तोड़ दिया ना, तो हमसे उम्मीद मत रखना कुछ। हमको धमकी दे रहे हो तुम? काश आपने भी कम से कम धमकी दी होती, अपना असली रंग दिखाया होता, लेकिन आपने तो कंधे पे हाथ रख के हमारा गर्दन दबा दिया, अब देखना क्या करते हैं। और ये पेट्रोल वाली बात आपने पंचायत में उठाई, लेकिन किसने साथ नहीं दिया आपका? ऐसा कुछ नहीं था साहब, हमने तो बस गुस्से में सिर्फ धमकी दी थी भैया को। लेकिन ये धमकी काम नहीं आई,
और ये बात ना आपने हमें बताई और ना ही गांव के सरपंच लखन जी ने, हमने खुद को रेत कर निकाली। अरे साहब, ये तो पंचम अपनी भड़ास निकाल रहा था। अब इतने के लिए हम सोहन जी के खिलाफ शिकायत थोड़ी करते। आप लोगों ने तो काफी हल्ला मचाया था कि इस कांड से पूरा का पूरा गांव खौफ में, आप लोग चक्का जाम और न जाने क्या क्या करेंगे। पर इन दोनों भाइयों की दुश्मनी के बारे में आप लोगों ने चू तक नहीं, यहाँ तक कि सोहन जायसवाल के अवैध पेट्रोल के धंधे के बारे में आप लोगों ने मुंह तक नहीं खोला। ये सोहन और पंचम दोनों भाइयों के बीच का आपसी झगड़ा है, इसका पेट्रोल से क्या लेना देना। वैसे भी पेट्रोल पंप इस गांव से काफी दूर है, सोहन जी 5-1 रुपये ज्यादा ले लेते, जिसमें हम गांव वालों को कोई आपत्ति नहीं होती थी। आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना। ये पेट्रोल का कहना इस कांड की जड़ हो सकता, पर आप सबके सब चुप, कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कहेगा। इन दोनों भाइयों की दुश्मनी कोई गिल्ली डंडे का खेल नहीं थी। आप लोग हमारे और सोहन भैया के बीच के अनबन को एक खूंखार दुश्मनी और बलात्कार का रंग दे रहे हैं। बहुत गलत कर रहे हैं साहब आप लोग। ब्रजभान और उसके बेटों को बचाने के लिए हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल 16 ने सही समझे आप पंचम जी, हम आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ इस इल्जाम को साबित भी करेंगे। ठीक है साहब, सबूत पेश कीजिए आप, तब की तब देखेंगे। पंचम जायसवाल के फोन रिकॉर्ड से भले ही कुछ ना निकले, लेकिन इसके रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। अगर ब्रिजभान जमीन के मसले को लेकर ऐसा कुछ कर सकता है तो पंचम भी मकान के मसले को लेकर ऐसा कर सकता है। सगा भाई ऐसा कांड नहीं करवा सकता, ऐसा कहीं लिखित तो है नहीं। राइट सर। वैसे इस केस के स्टार्ट में हमारे पास कोई लीड नहीं थी, पर अब हर दिन नया कुछ निकल के आ रहा है। लोकहित बंपर योजना स्कैम। सर ये स्कैम भी वजह हो सकता है इस कांड का। गांव के कई लोगों के पैसे डूबे थे और शायद ये विक्टिम पिंकी इस कांड का हिस्सा थी। मिल गई पिंकी की पासबुक। उस स्कीम के बारे में कुछ ना पूछो, स्कीम थी ऐसी कोई मना नहीं कर सकता था। अच्छा, ऐसा क्या था? 2500 का मिक्सर ग्राइंडर 1250 रुपए में घर लेके जाओ। बोलो। अच्छा, ये योजना सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर के लिए थी? नहीं नहीं, सिर्फ उसके लिए नहीं, दुनिया भर की जो भी चीजें हैं ना उन सबके रंगारंग पोस्टर लगा देता था ये दिनेश ठग। शक्ल सूरत से भी एकदम अफसर जैसा लगता था, रोबीला। किशन चाचा, ये सारी चीजें बेच रहे हम और ये रेट्स यहीं के लिखे गए हैं। आपको जो भी चाहिए बस आधे पैसे दीजिए और जब माल 9 महीने बाद डिलीवरी करेंगे तो आपको 1 पैसा ज्यादा नहीं देना होगा। इसका मतलब इसमें से जो भी चीज ले सब आधे दाम में मिलेगी? और हाँ किशन चाचा, सब कुछ कायदे से होगा। आपको फॉर्म की कॉपी मिलेगी, रसीद वसीद और आधे दाम का वादा भी। तो बस आधा दाम दीजिए और आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। देखो पिंकी बिटिया, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम बोल रही हो तुम विश्वास कर रहे हैं। ये देखिए चाचा, हमने आपके लिए सही चीज चुनी है ना। ये लो बिटिया। किसी गांव वाले को एक सुई तक तो दिलाई नहीं साले ने, मेरा किराया क्या देता। एक हफ्ते तक रोज जाकर मैं पिंकी से पूछता रहा कि दिनेश का बच्चा गया कहां। वो छोटा था मुंह बनाकर बोलती पता नहीं। फिर ताला तोड़ा। जब किस्मत टूटी हो तो ताला क्या चीज है, पूरा सामान लेकर छू। सिवाय इस बोर्ड के, रद्दी वाले को बोला भैया और इसको लेके जा, आंखों में चुपता है ये, और वो अभी तक आया भी नहीं। दीवान जी, एक दो लोगों तो समझे, ये दिनेश उपाध्याय तो पूरे गांव को चूना लगा कर गया। ये आधे दाम का जो लॉलीपॉप देकर गया, किसी को शक नहीं हुआ? किसने कुछ पूछा नहीं दिनेश से? भैया कोई दिनेश बाबू को नाराज नहीं करना चाहता था, सभी ने लालच में आकर कुछ न कुछ खरीदा था। आप भी 800 की इलेक्ट्रिक इस्त्री 400 में दे गई, छोटा सा करंट का झटका मुझे। लेकिन वो जयलाल शुक्ला को तो 1000 वोल्ट का करारा झटका लगा है, शॉक। क्यों, कोई फ्रिज वगैरह खरीदा था क्या? खेत का मोटर पंप, बेटे के लिए मोटरसाइकिल, लगभग 70-80 हजार रुपये दे चुका है उस ठग दिनेश को, और अब भी रोज आकर दुकान के चक्कर लगा के जाता है, उम्मीद में बैठा है कि शायद दुकान खुलेगी फिर से। बावला हो गया है। मैनेजर साहब, पिंकी एक दिनेश उपाध्याय नाम के फ्रॉड के पास काम कर रही थी, जो 2 महीने पहले कई लोगों को चीट करके भाग गया। आप जरा पिंकी के अकाउंट में देख के बताएंगे कि दिनेश ने कोई रकम पिंकी के अकाउंट में ट्रांसफर की हो या फिर पिंकी के अकाउंट से किसी अज्ञात अकाउंट में कोई बड़ी रकम ट्रांसफर हुई हो। आप पहले ये बताइए कि आपको किसने कहा कि पिंकी और उस फ्रॉड दिनेश उपाध्याय के बीच था या नहीं था फेयर? आप पहले ये बताइए, आपको बताया किसने? अरविंद, तुम्हारा दोस्त, पिंकी का दोस्त, तुम्हारी फैमिली का दोस्त। आप झूठ बोल रहे हैं।
अगर ऐसा कुछ होता तो वो सबसे पहले मुझे बताता। पिंकी ने तुम्हें बताया था कि उसने कत्ल से दो दिन पहले अपना नंबर क्यों चेंज किया? नहीं, बोल चुका हूँ आपको। बोल चुके हो, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। हमें लगता है पिंकी या तो दिनेश को अवॉइड कर रही थी या फिर गांव वालों को, इसलिए उसने अपना नंबर चेंज किया। नंबर चेंज करके कोई गांव वालों को कैसे अवॉइड कर सकता भला? और वो दिनेश को क्यों अवॉइड करेगी सर? क्योंकि शायद जैसे गांव वालों का पैसा दिनेश के पास अटका था, ऐसे ही दिनेश का पैसा पिंकी के पास अटका हो। झूठ, सब झूठ है ये। तुम्हारे घर के चार लोगों का मर्डर हुआ है, तुम्हारी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप हुआ है, ये झूठ नहीं है। और ये भी झूठ नहीं है कि ब्रजभान और तुम्हारे अपने चाचा पंचम के साथ तुम्हारी फैमिली की दुश्मनी थी। ये भी झूठ नहीं है कि तुम्हारे पिता पेट्रोल का अवैध धंधा करते थे। ये भी झूठ नहीं है कि गांव वालों ने दिनेश की फ्रॉड स्कीम में पैसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन पिंकी के भरोसे लगाया था। और अब गांव वाले इस नुकसान का जिम्मेदार तुम्हारी बहन पिंकी को मार रहे थे। छोटी छोटी रकम भी मिलाओ तो 8-10 लाख कहीं नहीं गए। सर, एक जलाल शुक्ला मिला था, मैक्सिमम उसका नुकसान हुआ है कुछ 80,000 का, काफी परेशान लग रहा था। तो क्या सर, कुछ ऐसी नाराज गांव वालों ने मिलकर बदला तो नहीं लिया पिंकी से और पूरे परिवार वालों से? और फिर पंचायत खौफ ड्रामा और चक्का जाम की धमकी देकर ध्यान बटा रही हो। सर, आप जैसा कह रहे हैं उसके हिसाब से गांव का वो हर बंदा रडार में लाना होगा जिसको दिनेश ने चूना लगाया हो, और शायद पिंकी ने भी। लेकिन सर, पिंकी के बैंक अकाउंट में कोई भी अनयूजुअल रकम ना डिपॉजिट हुई और ना ही किसी दूसरे अकाउंट में कोई ट्रांसफर। त्रिपाठी, लगभग सारे ट्रांजेक्शन कैश में हुए, हो सकता है सारी रकम पिंकी के पास कलेक्ट हुई और पिंकी ने ये रकम दिनेश को ना दी, गुस्से में आकर दिनेश ने अपने आदमी भेजकर ये सब करवा दिया हो। इस वक्त हर एंगल धुंधला है अंकुश, लेकिन इतना साफ है कि इस कांड का कुछ ना कुछ पिंकी से लेना देना जरूर है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सब मेरी पीठ पीछे हुआ जब मैं यहां नहीं था। ये बात भी उसी धुंध में फंसी है अंकुश। तुम्हारा लखनऊ जाना होता है और उसके ठीक 3 दिन बाद ये कांड हो जाता है। कहीं आप मुझ पर तो शक नहीं कर रहे हैं? हमारे पास कोई वजह नहीं है तुम पर शक ना करने की। सर, अपनी फैमिली का मैं इकलौता मेंबर बचा हूं अब, और इकलौते वारिस भी, इसीलिए शक के दायरे में हो। पर तुम इकलौते नहीं हो, हमारी उंगलियां और भी कई जगह उठ रही हैं, इशारा भी कर रही हैं, पर किसी एक जगह पे टिक नहीं रही। इसलिए तुम सबको चेतावनी है हमारी कि हमसे कुछ भी छुपाने की बेवकूफी मत करना, क्योंकि हम धुंध के हटने का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद धुंध हटाकर मुजरिम को रोशनी में ले आते हैं। सभी संदिग्धों के फोन रिकॉर्ड्स बड़ी बारीकी से स्कैन हुए, पर कहीं से भी कोई ठोस अंदेशा नहीं हो रहा था कि इनमें से किसी का इस मल्टीपल मर्डर और गैंग रेप से कोई ताल्लुक हो। गांव में जिन जिन लोगों ने दिनेश की स्कीम में पैसा खोया था उन सभी पर अब हमारी कड़ी नजर थी। ये एंगल भी आगे बढ़ नहीं पाया था कि पंचम जायसवाल ने यह काम किसी दूसरे को सौंपा हो। दिनेश उपाध्याय को ढूंढने में जमीन आसमान एक किया जा रहा था, वो अब इस केस में संदिग्ध नंबर 1 था। केस की शुरुआत में हमारे पहले मुख्य संदिग्ध ब्रजभान शर्मा और उसके बेटों की जमानत हुई, पर वो अब भी हमारे संदिग्धों की लिस्ट में मौजूद थे। पूरी शिद्दत से कोशिशें करने के बावजूद ये केस एक अनसुलझा रहस्य बनता चला जा रहा था और हम पर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। नरसंहार के लगभग 1 महीने बाद दिल्ली में दिनेश उपाध्याय पकड़ा गया, पर इस केस के लिए दिल्ली अभी भी बहुत दूर थी। दिनेश उपाध्याय हमारा गुनहगार है, पहले आप उसे हमारे हवाले कीजिए। सबसे पहले हमें गांव के एक एक आदमी का पैसा वसूलना है, सूद समेत। हमारे हवाले कीजिए दिनेश उपाध्याय, हमारे हवाले कीजिए। कौन होते हैं आप लोग? कौन होते हैं आप लोग? आजकल फैशन हो गया क्या कानून अपने हाथ में लेकर सड़कों पर अदालतें चलाना?
कान खोलकर सुन लीजिए सबके सब। दिनेश उपाध्याय इस वक्त हमारी हिरासत में है। आप लोगों के साथ हुआ पैसों का फ्रॉड, जायसवाल परिवार की हत्या और भी कई केसेस होंगे। इन सब केसेस में दिनेश उपाध्याय से पूछताछ की जाएगी। तो क्या उससे हमारे लूटे गए पैसे वापस मिल जाएंगे? दोषियों से पैसे वापस दिलवाना अदालत का काम। इस वक्त हमारा काम है दिनेश उपाध्याय के खिलाफ तगड़ा केस बनाना, जिस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के इस रवैये से हमारे काम में अड़चन हो रही है, ये कब समझेंगे आप लोग? अभी शांत होकर शांति से आप लोग अपने अपने घर जाइए। तू किसी चार्ज के लिए मना भी करेगा ना, तो भी हम तेरी जमानत की एप्लीकेशन का विरोध नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि गांव वाले तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तेरा एक एक पुर्जा खोल कर रख देंगे, बाहर ही खड़े हैं। मैं किसी भी चार्ज के लिए मना नहीं कर रहा हूं। हां, मैं एक पेशेवर फ्रॉड हूं। इस हरियापुर गांव के अलावा मैंने और भी कई गांव में लोगों को ठगा है। इस भ्रम में मत रहना दिनेश, इस सारी डीलिंग कैश में हुई है तो केस कमजोर बनेगा। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं सर, बल्कि पिछले कुछ सालों से मैं तैयार भी था कि एक ना एक दिन तो जरूर पकड़ा जाऊंगा ही। कोर्ट, जेल, मैं सबके लिए तैयार हूं, पर अपने सारे के सारे फ्रॉड में कबूल कर लूंगा। चार मर्डर और दो रेप केस, ये कौन कबूल करेगा? आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन जो मैंने नहीं किया है वो मेरे ऊपर नहीं चिपकेगा। मैंने अप्रैल में हरियापुर गांव छोड़ा था सर, अब अगस्त में आप लोग मुझे यहां वापस लेकर आए। इस बीच पूरे टाइम में दिल्ली में ही था। किस गैंग को दिल्ली में सुपारी दी तूने? इंस्पेक्टर साहब, आपकी ये जो थ्योरी है कि पिंकी ने मेरे पैसे मारे और मैंने इस तरह से पिंकी से बदला लिया, ये सरासर गलत है। पिंकी और तेरा अफेयर था, ये भी गलत है। 100% गलत है मैडम। वो बेचारी तो एक कॉलेज की लड़की थी, होनहार थी। मैंने पिंकी के टैलेंट को स्पॉट किया सर। तुझे हमारे टैलेंट का भी अंदाजा नहीं है दिनेश, कि झूठी कहानियां हमें बेचने की ट्राई मत करना। सर, पिंकी ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। पर तूने पिंकी को नुकसान पहुंचाया, पूरे पैसे लूटे, यहां से भाग गया, पिंकी को अकेले छोड़ दिया पूरे गांव वालों का सामना करने के लिए। जी हाँ, और इसीलिए पिंकी मुझे बार बार फोन कर रही थी सर, उसके पास मेरा दूसरा नंबर था। दिनेश सर, 2 घंटे से आपका फोन ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, गांव वाले परेशान कर रहे हैं मुझे। देख पिंकी, मैं अपना ये नंबर भी बदलने वाला हूँ। मतलब लोग सच कह रहे हैं, आप वाकई उनके पैसे लेकर फरार हो गए? मैंने तुम्हारी सैलरी एक दिन भी कभी डिले की है क्या? बल्कि ऊपर से बोनस भी दिया है तुम्हें। देखो पिंकी, तुम इस समय मत पड़ो। मैं कोई भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहती। यहाँ गांव वाले मेरा गला पकड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरे कहने पे आपको पैसे दिए चीजों के लिए। टेंशन मत लो पिंकी, मैं कह रहा हूँ ना, अपना नंबर बदल दो, घर भी चेंज कर दो, गांव भी। पिंकी, ये सारे गांव वालों को ना एक स्टैंडर्ड जवाब दे दो, बोलो कि मुझे नहीं पता दिनेश सर कहाँ चले गए। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ऊपर से ये भी बोल देना कि मेरी खुद की भी 3-4 महीने की सैलरी पेंडिंग है, कुछ वक्त में सब भूल जाएंगे और जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, रूटीन। और अपना हाँ नंबर आज ही चेंज कर दो, ठीक है? इससे ज्यादा तुम्हें कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं, सो गुड लक। सर, चीटिंग करना मेरे खून में है। आज तक मैंने बहुत से लोगों के साथ धोखा किया है, लेकिन अगर कोई मेरे साथ धोखा करता है तो इतने भयंकर तरीके से मैं उसे बदला नहीं लेता हूं सर। धोखा देना, धोखा खाना हिस्सा है इस खेल का। पैसों का धोखा, दिल का धोखा, सब एक है तेरे लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये दिल विल जैसी कमजोरियां मैं पालता ही नहीं हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पिंकी के साथ मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा था। वो एक होनहार सेल्स गर्ल थी जो मेरी स्कीम्स को गांव वालों को हार्ड सेल किया करती थी। और रही बात पैसों की, तो इंस्पेक्टर साहब, पिंकी ने एक पैसे का नुकसान नहीं पहुंचाया मुझे। लेकिन पिंकी को काफी नुकसान पहुंचा, उसकी बहन रंजना को नुकसान पहुंचा, उसके माँ बाप को नुकसान पहुंचा। इन चारों को हम कॉम्पनसेशन तो नहीं दिलवा सकते, लेकिन इनके गुनहगारों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तेरे मुंह से सब कुछ उगलवाएंगे जरूर। आप सही कह रहे हैं सर, आपके टॉर्चर से घबराकर मैं कबूल कर लूंगा एक ऐसा गुनाह जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं। लेकिन आप लोग खुद ही सोचिए सर, इससे क्या आपका असली केस सॉल्व हो पाएगा? वो जो असली कातिल है वो तो बाहर खुला घूमता रहेगा ना। आप जैसे काबिल ऑफिसर्स के नाम के चुटकुले सुनाता रहेगा अपने दोस्तों को। कैश में इसलिए डील करता हूं ताकि केस बनाना मुश्किल हो, मुझे ट्रेस करना मुश्किल हो। ये 4 मर्डर्स, 2 गैंग रेप, इतना बड़ा अटेंशन मैं अपने ऊपर क्यों मोल लूंगा सर? कॉमन सेंस। सर, ये दिनेश बड़ी स्टैंडर्ड बातें कर तो रहा है, पर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन सर, ये बंदा रेप और मर्डर करने वाला लगता भी नहीं है। क्या ब्रजभान और उसके दोनों बेटे ऐसे लगते हैं?
क्या सोहन जायसवाल का भाई पंचम जायसवाल ऐसा लगता है? क्या सारे गांव वाले ऐसे लगते हैं जिन्हें दिनेश ने ठगा था और उन्होंने दिनेश का गुस्सा पिंकी और उसके परिवार पर निकाला हो? क्या अंकुश ऐसा लगता है कि उसने अपनी पूरी फैमिली का सफाया कर दिया? सर, अंकुश जायसवाल का कोई पारिवारिक मसला सामने नहीं आया। हमारे बाकी संदिग्धों के मसले तो सामने आए हैं लेकिन कोई सुराग नहीं। सर, सबकी स्टैंडर्ड लाइन है कि ये काम हमने नहीं किया और ऐसा घिनौना काम हम कर ही नहीं सकते। पर सब कुछ ना कुछ छुपाते आए। अब सवाल यह है कि जायसवाल फैमिली के किसी सदस्य से रंजिश वाले ने भी ये नहीं किया है तो फिर कौन? हमारा पहला डकैती वाला एंगल भी कहीं फिट नहीं बैठ रहा है तो सवाल जस का तस है, कौन? सोहन और गायत्री जायसवाल को उन्हीं के बेडरूम में उन्हीं के बिस्तर पर मार डाला गया। शायद नींद में उनके ऊपर अटैक किया गया। उसके बाद इन दोनों लड़कियों पिंकी और रंजना के साथ गैंगरेप किया गया होगा और उसके बाद मर्डर। सर, पिंकी और रंजना इन दोनों में से किसी एक ने दरवाजा खोला होगा। पूरे चांसेस हैं कि गुनहगारों में से कोई एक जान पहचान का था। सर, वो पेट्रोल का कैन मैं बार बार उस पर आके अटक जाता। अंकुश और गांव के कई लोगों ने बोला है कि गांव में अगर एकाएक किसी को पेट्रोल की जरूरत पड़े तो सोहन जायसवाल के पास से मिल जाता था। पर सर, अंकुश ने यह भी बोला था कि अगर किसी को पेट्रोल की जरूरत होती थी तो वो फोन करके बोल देते थे। पेट्रोल की डिलीवरी हमेशा दुकान से होती थी, घर से नहीं, ऐसा क्लियरली कहा है अंकुश ने। सर, हो सकता है किसी एक्सेप्शनल केस में पेट्रोल का ऑर्डर दुकान के बंद होने के बाद घर से पिकअप होने वाला, ये शायद इस केस में होने वाला। तो फिर हमारे संदिग्धों में से ये एक्सेप्शनल केस कौन हो सकता है जिसे पेट्रोल चाहिए था? सर, पंचम की पिछले 2 साल से सोहन जायसवाल से कोई बात नहीं हुई। मैंने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सब क्लियर है। सर, शायद पंचम उस रात पर्सनली आया हो अपने भाई से बात करने और सुलह करने के बहाने उसने बात पेट्रोल को लेकर शुरू की। केस अब हमें गोल गोल चक्कर कटवा रहा था। कोई क्लियर मोटिव नजर आने के बजाय मौजूदा सारे मोटिव्स और धुंधले नजर आने लगे थे। हम सारे संदिग्धों से बार बार वही सवाल करने लगे थे। उम्मीद यही थी कि इनमें से कम कोई एक अपने बयान से कुछ अलग कहे और हम उसके झूठ को पकड़ लें ताकि इस केस का सच सामने आए। क्राइम सीन के पास के डम डेटा से भी हमें किसी की सस्पिशियस प्रेजेंस का अंदेशा नहीं मिला जो उस रात वहां मौजूद हो सकता था। नाकामयाबी के भंवर में हम मानो हर बहते तिनके से लटक रहे थे, पर एक ऐसा तिनका आखिरकार हाथ लगा जो हमारे केस को किनारे ले आने वाला था। सर, दो अलग अलग केसेस को क्यों जबरदस्ती साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ऊपर फ्रॉड के चार्जेस लगा के कोर्ट में पेश कर दीजिए ना। ये अरविंद कुशवाहा कौन है जानते हैं? जी सर, पिंकी का दोस्त है। अरविंद ने तेरी फ्रॉड स्कीम में पैसे लगाए थे? जी, उसे नए मॉडल की कोई बाइक चाहिए थी। पिंकी कभी अरविंद के बारे में बातें करती थी तेरे साथ? पिंकी मेरे लिए काम करती थी। मेरी पिंकी से बातचीत सिर्फ और स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल होती थी। मेरी स्कीम्स बेचती थी वो गांव वालों को, कभी अपनी पर्सनल बात डिस्कस नहीं की उसने। नहीं नहीं, अरविंद नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड को उठाओ। क्या नाम था उसका? सर, ममता, कुछ ममता बोला था उसने। गर्लफ्रेंड ममता है, ममता त्रिवेदी। 6 जून को मेरी उससे भी कई बार बात हुई। अब हम ममता से बात करेंगे, उठा लो उसे। ओके सर। त्रिपाठी, पता नहीं क्यों शायद अरविंद को उसके कॉन्फिडेंस या रात भर शादी में होने की वजह से उसे हमने अपने संदिग्धों की लिस्ट में शामिल नहीं किया, लेकिन फैक्ट यही है, हत्याकांड से घंटे भर पहले चारों विक्टिम में से एक विक्टिम पिंकी को आखिरी कॉल अरविंद ने किया। सर, उठाते हैं सर अरविंद। पता चला टेस्ट सेंटर पर ड्रॉप करने वाली बात पूरी तरह मनगढ़ंत है और जम के कुटाई करते हैं। करेंगे, लेकिन इसके बयान को छुटलाने वाली डिटेल और सबूत के साथ। हाँ मैडम, मैं पिंकी जायसवाल को जानती थी, लेकिन आप मुझसे क्या पूछना चाहती है? तुम पिंकी को कितने अच्छे से जानती थी, उससे बात होती थी या नहीं होती थी, और मिलती थी तो कब और कहाँ? नहीं नहीं, मैं पिंकी से मिली विली नहीं, ना ही हम एक कॉलेज के थे और ना ही गाँव के। पर ममता, तुमने पिंकी के बारे में शायद सुना होगा अपने बॉयफ्रेंड अरविंद से। अरविंद का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से पहले या उसके बाद पिंकी के साथ कोई रिश्ता था, रोमांटिक टाइप का? ये कौन सी बात हुई सर? हर बारी जब आपने पूछा है मैंने जवाब दिया है, हर बारी हाजिर हुआ। फिर ये ममता मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों घसीटा जा रहा है इस सब में? नाम तो तूने घसीटा है, जब हमारे बिना मांगे बिना पूछे तूने ममता का नाम लिया, ममता त्रिवेदी, यहाँ तक कि उसका नंबर तक ऑफर किया। आप कहें तो मैं नंबर दूं सर? और अब जब हम ममता से 2-4 सवाल कर रहे हैं तो तुझे तकलीफ हो रही है? कहीं इस बात की तकलीफ तो नहीं कि हमने तुझे ममता को सिखाकर भेजने के लिए मौका नहीं दिया?
जैसे कि तूने गुड्डू को सिखा कर भेजा था हमारे इन्फॉर्मर के पास। क्या सिखाया मैंने सर? दरअसल हिले हुए तो ना मुझे आप लोग जाने, जो इतना भयंकर कांड हो जाने के बाद आप अब तक मुजरिमों को नहीं पकड़ पाए, बस यूं बकरे ढूंढे जा रहे हैं। पिंकी के बारे में जो भी जानती हूँ वो सारी बातें मुझे अरविंद ने ही बताई है। मतलब ममता, अरविंद पिंकी के बारे में तुमसे काफी बातें करता था। क्या बातें करता था अरविंद पिंकी के बारे में? यही कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त है, पिंकी का बड़ा भाई अंकुश और अरविंद भी अच्छे दोस्त है। काफी बातें होती थी पिंकी के बारे में, राइट? हाँ, होती तो थी। कभी तुम्हें ये लगा कि पिंकी हमेशा तुम दोनों के बीच में होती है? लगा था, मैंने अरविंद को पूछा भी उसकी फीलिंग्स के बारे में। ममता, फीलिंग्स थी? मुझे नहीं पता, पर जब भी पिंकी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती थी तो मैं इरिटेट हो जाती थी। कभी तुम्हें ऐसा लगता था कि पिंकी और अरविंद के बीच में कुछ ना कुछ जरूर है? लगा तो था, और अरविंद को मैंने पूछा भी, पर उसने कहा कि सिर्फ मैं ही उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। लेकिन कई बार दिन में पिंकी की ही बात होती थी कि पिंकी ने ये किया, पिंकी ने वो बोला। कई बार तो पिंकी उसे ठीक से बात नहीं करती थी तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। मतलब ममता, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद होता तो तुम्हारे साथ था, पर वो था पिंकी के साथ। हाँ, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अच्छा ममता, तुम्हें क्या लगता है जब अरविंद पिंकी से मिलता होगा तो वहां पर वो तुम्हारी बातें करता होगा? मुझे नहीं पता, पर कुछ टाइम से पिंकी और अरविंद के बीच में अनबन चल रही थी। किस बात को लेकर? पैसे को लेकर, क्योंकि पिंकी अरविंद के पैसे नहीं लौटा रही थी और अरविंद बहुत अपसेट था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया था। एक मिनट, अरविंद ने किस लिए पैसे दिए थे पिंकी को और कितने दिए थे? अरविंद ने पिंकी को पैसे नहीं दिए थे। हाँ, मतलब दिए थे, वो जो फ्रॉड बम्पर स्कीम जहाँ पिंकी काम करती थी वो उसको हाफ प्राइस में बाइक दिलाने वाली थी, पर अरविंद को जब पता चला कि वो फ्रॉड है तो पिंकी ने पैसे देने से मना कर दिया। सर, आप कानून के रखवाले हैं सर। सर, आप ऐसे गैर कानूनी काम कैसे कर सकते हैं? सर, ये गलत है सर, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। सर, आप मुझे बताएंगे कि किस चार्ज में आपने मेरे बेटे को अंदर किया है? फिलहाल आपके बेटे से पूछताछ की जा रही है। मेरा बेटा अरविंद जायसवाल परिवार के करीबी था, पर आप उस पर शक कर रहे हैं? जी। अंकुश उसको फंसा रहा है, झूठी उंगली उठा रहा है उस पर। देखिए, सच और झूठ का फैसला तो अदालत करेगी। सच ये है कि अरविंद रात भर शादी में था, मेरे और बाकी बरातियों की आंखों के सामने। सर, मैंने पहले भी आपसे बोला है, हम तीनों पूरी रात मेरी बहन की शादी में काम कर रहे थे, मैं, अरविंद और ये गुड्डू। गुड्डू, पहले तूने कहा था कि अरविंद पिंकी के बारे में कुछ जानता है, और जैसे ही हम अरविंद के पास पहुंचे उसने दिनेश उपाध्याय वाला एंगल चिपका दिया। ये खबर तूने अरविंद के कहने पर दी थी ना? नहीं सर, वो आपका बंदा आया था, बोला कि वो आपके साथ काम कर रहा है, उसे जानकारी चाहिए थी। सर, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रहा था। सच बताना, एकदम सच, कि अरविंद रात भर शादी में ही था या अपनी शादी छोड़कर कहीं बाहर गया था एक आध घंटे के लिए? नहीं सर, हम तीनों पूरी रात साथ में थे मंडप में। वो सवेरे विदाई से पहले जैसे ही हमारे पास ये खबर पहुंची हरियापुर से, मैं और अरविंद सीधा निकल गए सोहन अंकल के घर। सर, मैं नहीं जा पाया, सुबह 9:30 बजे मेरी बहन की विदाई थी इसलिए। हाँ जी, आजकल कौन से शादी में वीडियो नहीं बनता? बारात का आना, शादी की रस्म, विदाई, पूरे फंक्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। अमिता की शादी की सीढ़ी तो अभी आई नहीं, उसके ससुराल में है। कहाँ उसका ससुराल? जी, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद से तुरंत मंगवा लीजिए। सर, बारात रात 11 बजे पहुंची, फिर हम मेहमान नवाजी में लग गए, खाना वाना हुआ और रात के करीब 2 बजे शादी हुई। सर, एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब अरविंद वहाँ नहीं था। ये अरविंद का पिंकी या रंजना के साथ कोई चक्कर वक्कर था? सर, ये आप क्या पूछ रहे हैं, अरविंद और पिंकी का कोई चक्कर नहीं था। अरविंद की गर्लफ्रेंड है ममता, हमारे गाँव की है। सर, पिंकी और रंजना तो अरविंद की बहनें जैसे थी, वो लोग अरविंद, पिंकी, रंजना सब साथ साथ बड़े हुए थे। अरविंद के फादर मोहन जी से कह दो शादी की सीडी वेरीफाई होने तक अरविंद हमारे पास रहेगा। सर, शादी की सीडी कल सुबह तक आएगी मुरादाबाद से। सर, दिलीप और गुड्डू के पीछे एक एक बंदा लगवा दिया, खास दोस्त हैं अरविंद के, इन दोस्तों में से बचा तो नहीं रहे। शादी की सीडी आने दो, देखते हैं अरविंद फुल टाइम शादी में था या फिर बीच में थोड़ी देर के लिए गायब हुआ था। दिलीप ने कहा था कि बारात 11 बजे आई थी और अरविंद ने पिंकी को 11:45 पर फोन किया था।
पर शादी हो रही है, रात के शायद 2 बजे होंगे और अरविंद अभी शादी में मौजूद है। सर अरविंद तो पूरा वक्त यहीं है, शादी में सहारनगढ़ पर। और सर अरविंद को पता था कि अंकुश घर पर मौजूद नहीं है, शायद अरविंद ने ही किराए के हथियारे भेजे पिंकी के घर पे। ऑस्कर ये देखो, इन्होंने कपड़े बदले हैं। अभी इस वक्त जो शादी में इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वो अलग है, और बारातियों के स्वागत के समय जो इन्होंने कपड़े पहने थे वो अलग है। रिमाइंड करो। अब वापस फॉरवर्ड करो। हाँ तो आप लोगों की शादियां नहीं हुई है क्या? क्या आप लोग शादी में शामिल नहीं होते? शादी में हर दूसरा आदमी कपड़े बदलता है, मैंने भी बदले थे और दिलीप ने भी, आखिर वो दुल्हन का भाई था। और मेरा बेटा अरविंद वो भी दुल्हन के भाई जैसा ही है, दिलीप का खास दोस्त जैसे वो गुड्डू। भगवान जाने आप लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। एक तो इतना भयंकर कांड हो गया और आप लोग उसे जोड़ रहे हैं मेरी बेटी की शादी के साथ, और ऊपर से सुना है आप लोग दिलीप और गुड्डू के पीछे आदमी भी लगा दिए हैं। और मेरे बेटे अरविंद को तो क्रिमिनल की तरह बंद कर रखा है। कुशवा जी, भरत जी, मैं इस बात से वाकिफ हूं कि शादियों में लोग कपड़े बदलते हैं। मैं इस बात से भी वाकिफ हूं कि लोग रंग भी बदलते हैं और कभी कभी रंग को छुपाने के लिए भी कपड़े बदले जाते हैं, खास करके खून का रंग। ठीक है, साफ साफ कहिए आप चाहते क्या। कपड़े, तीनों लड़कों के दोनों जोड़ी कपड़े पूरे के पूरे चल से चलते। ये कोई दरख्वास्त नहीं है। अजीब है ये पुलिस वाले भी, मेरा गुड्डू तो अंकुश का भी खास दोस्त रहा सालों से। अरे कपिल जी, ये पुलिस वाले बौखला गए हैं, केस आगे नहीं बढ़ रहा ना, तुम्हारे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कुशवा जी, चुप क्यों हैं आप? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो कपड़े पहनकर इन तीनों ने बारात का स्वागत किया था वो कपड़े हमें घर पर मिले क्यों नहीं। ये कपड़े वो हैं जो तुम तीनों ने शादी के वक्त पहने थे, लेकिन बारात वाले कपड़े तुम तीनों के घरों में नहीं मिले। तुम तीनों के घर की तलाशी के वक्त हमें नहीं मिले। दिलीप और गुड्डू, तुम दोनों तो तलाशी के वक्त मौजूद भी थे। कहां भेजे कपड़े? पापू की लॉन्ड्री में। सोचा पाप के साथ साथ खून के धब्बे भी धुल जाएंगे, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। सर सर, जो बात मैंने आपके आदमी से कही थी कि अरविंद पिंकी के बारे में कुछ और भी जानता है, वो बात अरविंद ने खुद मुझे उस आदमी से कहने को कहा था। ये तो हम जानते हैं बेटा, ये बता कि कपड़े छुपाने के लिए भी अरविंद ने कहा था। सर हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उसकी फैमिली को तो हम करीब से जानते भी नहीं थे, खासकर उन दोनों बहनों को। तो तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि सब कुछ क्या करा है अरविंद का ही है। हाँ सर, ये किसी की चाल है सर। सर मुझे फंसाया जा रहा है सर, अब इन दोनों को ही मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, ये दोनों ये सब कुछ मुझ पर डाल रहे हैं। तो तू सच बोलते अरविंद, देख तेरी कहानी खत्म हो चुकी है। हम जानते हैं कि तू अकेला नहीं था, बोल तेरे साथ और कौन था। बोले सर यही दोनों थे मेरे साथ उस रात, अपने मजे करने आए थे सर, अपनी मर्जी से। सर इस अरविंद ने हमें बोला कुछ और करवाया कुछ और, फंसा रहा है सर हमें। अबे दिलीप, पकड़े गए हम लोग, कबूल कर लो कि तुमने अपने मजे के लिए मेरा साथ दिया। पिंकी की बच्ची को तगड़ा सबक सिखाना है। अबे अरविंद देख भाई, तेरा गुड लक है कि तेरी लाइफ में ममता है, अब जो है उसमें खुश रहना यार, फालतू में क्यों इतना लालची बन रहा है। अरे दिलीप तू नहीं समझेगा ये घायल ईगो की आग। देख पिंकी हमारे अरविंद भाई साहब के बाइक पे लिफ्ट लेती है, पर कभी लिफ्ट देती नहीं। सच कहूँ तो उसका नाम सुनता हूँ तो मेरा खून खौल उठता है, और ऊपर से साली मेरे पैसे निकल कर बैठी है। अरविंद, मैंने तुम्हें पहले भी अच्छे से कहा है, अब साफ साफ कह रही मुझे तुम्हारे किसी भी बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। पिंकी तुम हमेशा इतना तीखा क्यों बोलती हो मुझसे? क्योंकि तुम एक्स्ट्रा स्वीट बोलते हो, बनते हो। देखो अरविंद,
मैं ईमानदारी से कह रही हूँ, नो, मुझे तुम्हें या किसी भी लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिलहाल तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में है, अपने काम पर है। पर तुम समझते ही नहीं हो, गोल गोल जलेबी की तरह लगे रहते हो, छासनी की तरह चिपके रहते हो। बाइक पर तो खूब चिपकती हूँ मुझसे। मैं क्या जबरदस्ती तुम्हारे बाइक पर बैठती हूँ? वो तो तुम अंकुश भैया के दोस्त हो, मम्मी पापा के सामने स्वीट बॉय बनते हो, और मैंने भी तुम्हें हमेशा दोस्त की तरह समझा है, तुम्हें भाई टाइप। लेकिन तू प्रपोज करके अपना मुंह और मेरे कान खट्टे क्यों करते रहते हो? तो जब देखो तब तो मेरी इंसल्ट करती रहती हो, और ऊपर से मेरे 20,000 खाकर बैठी हो उस बंपर योजना की आड़ में। दिमाग मत खराब कर अरविंद, क्या तू भूखा मर रहा है उन पैसों के बगैर? क्या मैंने तेरे जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले थे? लेकिन तू काम तो करती थी ना उस ऑफिस में, जानती थी ना तू कि वो कुत्ता दिनेश उपाध्याय फ्रॉड है? अरे कम से कम मुझे तो बता सकती थी ना। मैं तेरे प्रपोज करने पे तुझे डांट देती हूँ तो तू पैसों की रट लगाना शुरू कर देता है। देख, मैंने तुझे कई बार कहा है कि दिनेश उपाध्याय फ्रॉड था, ये बात मुझे भी नहीं पता था। उसने तेरे साथ साथ कई लोगों को चुना लगा गया है, उसने मुझे भी धोखा दिया है। और हाँ, टेस्ट के बाद मुझे लेने मत आना, और आज के बाद से मैं तेरे बाइक पर कभी नहीं बैठूंगी। बाइक पर तो तू बैठेगी मेरी, आऊंगा मैं तुझे लेने टेस्ट के बाद। जब मैं वहां पहुंचा तो ऑटो लेकर निकल गई। इतना गुरूर साली का हमेशा के लिए तोड़ना है मुझे। यार ये सब करके क्या मिलेगा? और अंकुश तेरा दोस्त है। पर अंकुश इस वक्त यहाँ नहीं है। तो देखो यार, मुझे सिर्फ पिंकी से मतलब है, मुझे उसको सबक सिखाना। उसकी छोटी बहन है रंजना, थोड़ी कच्ची है पर बुरी नहीं है। तुम लोग उसको एंजॉय करते, क्या कहते हो? पापा सो गए हैं, अब पेट्रोल कल सुबह ही मिलेगा। तू समझना यार, हम लड़की वाले हैं, शादी का माहौल है यार, इतने सारे काम होते हैं यार, पेट्रोल तो अभी चाहिए ना यार। और कल सुबह विदाई भी है, इतनी भागम भाग है। ठीक है ठीक है, मैं पेट्रोल दुकान से निकाल कर रखती हूँ, तू घर आकर ले जा। अच्छा, और तू ना बाहर वेट करना। देख मैं कोई बेल वेल नहीं बजाऊंगा, खामा खा अंकल आंटी उठ जाएंगे। जल्दी आ जा। अरविंद, सारे बराती खाना खाकर आराम कर रहे हैं। सही मौका है, जल्दी वो आते हैं, थोड़ा मजा हम भी तो कर लें। ये ले, हम तीनों के फोन यहीं कहीं रूम में छुपा कर रख दें, साइलेंट पर। ठीक है। छुरे बाइक में निकाल ले, हम मेरी बाइक पर चलेंगे। कि अरविंद अपनी मनगढ़ंत भड़ास निकालने चला था, पूरी प्लानिंग के साथ छुरे हुरे खरीद कर, और तुम दोनों ने इसका साथ दिया सिर्फ मजे के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करना, उसे तुम लोग मजे की एक्टिविटी समझते हो? अबे दिलीप, तेरी तो बहन की शादी हो रही थी ना, उस दौरान तो किसी के माँ बाप को मार के चाकू की नोक पे उनकी बेटियों के साथ गैंग रेप कर रहा था। क्या घटिया सोच रहे तुम लोगों की? तेरा गुरु तोड़ूंगा मैं। जल्दी चल, हॉल पहुंचना है। ये ले, बैठ, चल आजा। छुरे खरीदना, कपड़े बदलना, ये सब कुछ पहले से प्लान था या फिर उसी शाम को प्लान बना? हाँ सर,
था। मतलब तुम लोगों में पहले से कोई कंफ्यूजन नहीं था, सब पहले से तय था। वो छुरे और कपड़े कहाँ है? दिलीप के घर के पीछे। इन कपड़ों की, इन छुरों की फॉरेंसिक जांच होगी, ये साबित करने के लिए कि अरविंद गुड्डू और दिलीप ने भयंकर जुर्म किया है। साहब गलती हो गई उनसे। मर्डर और गैंग रेप किए हैं आपके बेटे और उसके दोस्तों ने, ये गलती नहीं गुनाह है। मानते हैं सर जी, पर जरूर इस अरविंद ने मेरे बेटे को उकसाया होगा। हाँ सर, मेरे दिलीप को भी, पर ना आज तक तो उसने किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा सर। अरे सर, अब ये लोग सब कुछ मेरे बच्चे पे डाल रहे हैं सर। बस कुशवा जी, कपिल जी, भरत जी, झूठ मत बोलिए अपने आप से, इस कड़वे सच का सामना कीजिए। आप तीनों के बेटे इस घिनौने जुर्म में बराबर के साथीदार थे। अरविंद अपने आप को विक्टिम समझकर अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा था, दिलीप और गुड्डू अपने अंदर की विकृति की आग बुझा रहे थे, और आपका बेटा दिलीप, वो तो अपनी बहन की शादी छोड़कर इस गुनाह में शरीक हुआ। ये तीनों गुनहगार हैं जायसवाल फैमिली के, कानून के। 21-22 साल के पढ़े लिखे अच्छे घरों के इन लड़कों ने इतने विकृत जुर्म को अंजाम दिया, ये सुनकर ही सबके होश उड़ गए थे। वो लोग भी हिल गए जिनकी जायसवाल परिवार से रंजिश रही थी। गांव वाले जो अब तक जुर्म के रहस्य से आतंकित थे, अब सच जानकर मायूसी और शोक के माहौल में डूब गए। दिनेश उपाध्याय ने और कहां कहां अपनी फ्रॉड स्कीम के जरिए लोगों को ठगा और उनके पैसे लूटे, उसकी जांच हो रही है। जब एक परिवार के सफाई के केस की छानबीन होती है तो छोटी से छोटी रंजिश से लेकर पीढ़ियों की जानी दुश्मनी तक सब कुछ शक के दायरे में आता है और उसकी छानबीन होती है। पर इस केस में एक ऐसी अनबन थी अरविंद के साथ जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ पिंकी को पता था, पर उसे यह नहीं पता था कि रंजिश की एक छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा विस्फोट करने वाली है उस पर और उसके परिवार पर। हमारी अपील है हर महिला से, हर लड़की से, हैरेसमेंट का कोई लेवल या डिग्री नहीं होती, पहली बार ऐसा कुछ होते ही तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। ये कोई लोगों में डर पैदा करने का प्रयास बिल्कुल नहीं है, बस एक सिंपल कदम है औरतों की सेफ्टी के लिए। रिजेक्शन का असर किसके दिमाग में कैसा हो रहा है यह जज करना आसान नहीं है, जैसा कि अरविंद के केस में। साथ ही किसके दिमाग में किस तरह की अमानवीय विकृति पनप रही है यह भांपना भी आसान नहीं है, जैसे कि इस केस में दिलीप और गुड्डू, जो बस अपने दोस्त का साथ देने गए इन मर्डर्स में सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें क्रूर तरीके से अपनी हवस पूरी करने का मौका मिले। हर जुर्म एक आईना है, एक दर्पण है हमारे जमाने का, जो हमें दिखलाता है वो सारी चीजें जो होनी नहीं चाहिए। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।